एक दूसरे को सरसरी निगाह से देखते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए, अंगुलियां हाथों को मरोड़ने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। दोनों पहलवान गुथम गुथा और दाव लगाने की पूरी कोशिश पैर पकड़ा, लेकिन कामयाब रहे। पैर को पूरा स्ट्रेट कर दिए शिवानंद। धीरे धीरे दोनों पहलवान अखाड़े के बाहर जाते हुए, शिवानंद पहलवान के पांव को खींचकर अखाड़े के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं रेफरी महोदय के इशारे से। फिर दोनों पहलवानों को बीच पोजीशन में लाया गया है, गुथम गुथा एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हुए। दोनों पहलवान आज अंतिम कुश्ती के रूप में शानदार कुश्ती का नजारा पेश करते हुए, शानदार कला का प्रदर्शन करते हुए। एक दूसरे को पटकनी देने की तलाश में यह अंतिम कुश्ती है। दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि उत्साहवर्धन के लिए तालियां बजाते रहे ताकि इसका कोई सकारात्मक रिजल्ट आ जाए, बेहतर रिजल्ट आ जाए। एक बार दोनों पहलवान फिर अपने सर को जोड़े हुए काफी शानदार तरीके से उसे पलटने की कोशिश, शिवानंद पलटने की पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन वह पूरी तरह से अपने शरीर को स्ट्रेट किए हुए हैं और पैरों में लगाकर अब उन्हें पलटने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। शरीर थोड़ा सा गठीला है, भारी भरकम है, उनको पलटने में काफी मुशक्कत हो रही है, लेकिन मानना पड़ेगा इन दोनों पहलवानों को। दोनों एक से बढ़कर एक काफी शानदार तरीके से शिवानंद अपने कला का जोरदार प्रदर्शन किए और बिल्कुल कम समय में उन्होंने ब्रजेश को पटकनी दे दी है। हेलो, एक जरूरी सूचना है, कुंवर आए दिनांक 29 अगस्त को।